भगवद गीता जो हमारे जीवन का गूढ़ अर्थ समझाती है, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, यह गीता सार सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन सारथी बने कृष्ण को अपना रथ दोनों सेना के बीच में ले जाने की विनंती करते हैं, तब अर्जुन विपक्ष में अपने ही भाई बंधु को देख अपनी हिम्मत खो देते हैं। अर्जुन को अपने कर्तव्य और धर्म का मार्ग साफ दिखाई नहीं देता है और युद्ध करने से इनकार करते हैं। तब प्रभु उन्हें गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। हे केशव, मेरे पितामह जो मेरे पूजनीय हैं, उनके विरुद्ध मैं नजर नहीं उठा सकता तो मैं हथियार कैसे उठा लूँ? गुरु द्रोण, जिन्होंने मुझे विद्या देकर सुयोग्य किया, उनकी दी गई विद्या से मैं उनके ऊपर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई दैत्य नहीं कि अपनों के खून से स्नान करूँ। ये मुझसे नहीं होगा केशव, ये मुझसे नहीं होगा। हे पार्थ, जरा इस ओर भी देखो कि तुम्हारे सारे भाई कौरव द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए तत्पर है, और जो तुम्हारे पूजनीय हैं, वो तुम्हारी शत्रु की ओर से युद्ध कर रहे हैं। जब वो अपने कर्म के मार्ग से नहीं हट रहे तो तुम क्यों पीछे हट रहे हो पार्थ? तुम इसीलिए भयभीत हो रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं। परंतु सुनो पार्थ, न जायते म्रियते वा कदाचि ज्ञानम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्मता नहीं और कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा भूतकाल में भी था और भविष्य में भी रहेगा। आत्मा अजर अमर नित्य और शाश्वत है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो पार्थ, तुम केवल शरीर का नाश कर रहे हो, आत्मा का नहीं। परंतु प्रभु, मैं ही क्यों अपनों के नाश का कारण बनूं? जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्युश्च च तस्माद् परिहायदर्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। अर्थात जन्म धारण करने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसीलिए जिसको टाल न सके ऐसे विषय में शोक करना उचित नहीं है। तो प्रभु, क्या ये उचित है कि मैं अपने कर्म और धर्म का पालन करने के लिए अपनों की हत्या का पाप करूं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संदोष्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसीलिए कर्म के फल में अपनी इच्छा नहीं रखना। कर्म न करने में तुम्हारा संग न करो। हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, उसके फल के बारे में सोचना छोड़ दो। तुमने कर्म किया है, वह उचित है या अनुचित, वो परिस्थिति पर निर्भर है। तुम्हारे हाथों से तुम्हारे स्वजनों की मृत्यु होती है तो वह उनका कर्म है, तुम सिर्फ उसके निमित्त मात्र हो, क्योंकि ये सब मेरे मर्जी के अधीन होता है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भूत भविष्य और वर्तमान हूँ। हर एक प्राणी मेरा ही अंश है, मैं हर एक कण में हूँ। पक्षी के कलरव में, शेर की दहाड़ में, गैया में, अत्र तत्र सर्वत्र में मैं ही हूँ। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों के विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। मैं हर एक युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ज्ञानीर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संग्रामामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संग्रामामि हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो और अपने आप को युद्ध के लिए सज्ज करो। पूरी पांडव सेना तुम्हारी प्रतीक्षा में है। जो आज्ञा प्रभु, अब मैं युद्ध के लिए सज्ज हूँ। You can use